जिले के पूर्व पालक मंत्री कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार ने आज बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेकर उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की। तहसील कार्यालय में आयोजित आढ़ावा बैठक में पूर्व संपर्क मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को हालत को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा देने की मांग का ज्ञापन उपविभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को दिया है। ज्ञापन में बाढ़ ग्रस्त को तुरंत सहायता देने के साथ ही नदी नाले के नजदीक के मंजूर किए गए लेआउट रद्द करने के साथ किसानों की बर्बाद हुई फसल के लिए तुरंत सहायता देने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस वक्त विधायक रंजीत कामले, पूर्व राज्य मंत्री अशोक शिंदे, पूर्व नगर अध्यक्ष पंडरीक कापसे और कार्यकर्ता उपस्थित थे। लगातार भारी बारिश से शहर और परिसर जलमग्न हुआ। कई गाँव से संपर्क टूटा था। किसानों द्वारा की गई दोबारा बुआई भी बर्बाद हुई। इसका जायजा लेकर इन बाढ़ पीड़ितों को तुरंत उचित सहायता देने की मांग ज्ञापन में की है। पालक मंत्री सुनील बाबू केदार यांचा दौरा झालेला आहे। प्रत्येक पिवळी बज्जी, निशानपुरा, भीमनगर वार्ड मध्ये आम्ही पाहिलेला आहे। त्याच्यामध्ये सहा लेआउट जे हिंगणघाटचे आहे तिथे 10-10 फूट पाणी होतं, त्यांची पण साहेबांनी पूर्ण पाहणी केली आहे आणि ती तहसीलदारांना पूर्ण अवगत केलेलं आहे। याच्यावर त्वरित कारवाई करावी। जे पूरपीडित आहे यांना त्वरित चांगला भरघोस असं पैसे द्यावे आणि जे पीक वाहून गेलेलं आहे त्यांना पर हेक्टरी 50,000 रुपये रब्बी पिकाचे अगोदर तरी देण्यात यावे, जेणे त्यांना करून रब्बी पीक पिकवता येईल किंवा पेरणी करता येईल। हिंगणघाट से कॅमेरा पर्सन योगेश लखोटे के साथ रवी येणोरकर, BCN न्यूज।